नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में एक नई वीडियो में बात करते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 सर्किट ब्रेकर्स के बारे में, जो सबसे बेहतरीन प्रकार के सर्किट ब्रेकर्स हैं, क्या है उनकी खासियतें और क्या है उनकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। समझते हैं आज की वीडियो में एक सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, कार्यकारी सिद्धांत, उसके जो दो फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टेक्ट है उसके बीच में बहुत तेज गति से सेपरेशन करना है, ताकि उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक आर्क बन रहा है, प्लाज्मा फॉर्म में आयन और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, उसे एक्सटिंग्विश किया जा सके और जो उनके बीच में बहने वाली जो परिपथ की धारा है, फॉल्ट करंट हो सकता है, उसे पहली बार जो हमारी साइक्लिक वेरिएशन में नेचुरल जीरो आ रहा है उस क्रॉसिंग पे रोका जा सके। कॉन्टेक्ट के सेपरेशन पे पावर सिस्टम के रिएक्टिव एलिमेंट जब ट्रांजियंट रिकवरी वोल्टेज बना रहे होते हैं तो सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टैक्ट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इतनी पैदा कर दे कि हमारी जो ट्रांजिएंट वोल्टेज है वो आर्क को रीस्ट्राइक ना कर सके। हम सर्किट ब्रेकर्स को आर्क इंटरप्शन के लिए जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो एयर हो सकती है, हाई प्रेशर पे एयर का ब्लास्ट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या दो कॉन्टैक्ट के बीच में वैक्यूम का प्रयोग हो सकता है, या सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो सकती है, उसके हिसाब से सर्किट ब्रेकर्स को क्लासिफाई करते हैं। 100 साल से भी पहले हमारे पावर सिस्टम ने ऑयल की इंसुलेटिंग और डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को समझते हुए शुरुआती सर्किट ब्रेकर में ऑयल को आर्क क्विंचिंग मीडिया के तौर पे इस्तेमाल किया, और उन बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम ऑयल का इस्तेमाल आर्क एक्सटिंक्शन के साथ साथ जो हमारे पावर सिस्टम के जो लाइव कॉन्टेक्ट पार्ट है उनको भी ग्राउंड अर्थ से इंसुलेट करने के काम में लिया। ऐसे बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो टैंक होता है वो जनरली ग्राउंड पोटेंशियल पे अर्थड होता है। इन ऑयल सर्किट ब्रेकर के, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के बड़े साइज, बहुत ज्यादा तेल की रिक्वायरमेंट और बहुत ज्यादा लागत और मेंटेनेंस की आवश्यकताएं और एक्सीडेंट के केस में इनमें आग लगने की, दुर्घटनाएं होने की स्थितियां होने के कारण 1950 के आसपास हमने बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर्स को मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर से बदलना शुरू कर दिया, जहां हम ऑयल को सिर्फ आर्क एक्सटिंक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हमारा ब्रेकर का टैंक है उसे ग्राउंड से पोर्सेलिन जैसे किसी इंसुलेटर मटेरियल से सेपरेट कर रहे हैं। तो इनका जो टैंक है वो लाइव कंडीशंस पे होता है। इन मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का चलन आज भी 132 केवी तक के सिस्टम में है। अगर सर्किट ब्रेकर का इतिहास देखें तो पावर सिस्टम की शुरुआत में हमने बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज किए और वो 1950 के आसपास मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के रूप में बदल दिए गए। उसी समय हमें एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का भी ज्ञान हो गया, तो हम कम वोल्टेज में मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और ज्यादा वोल्टेज में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करने लगे। बाद में हमें दो प्रेशर के साथ SF6 का इस्तेमाल, एक कंप्रेसर सिस्टम से हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड SF6 को स्टोर करके और आर्क क्विंचिंग के लिए उसे कम प्रेशर के दूसरे सिलेंडर्स के मदद से इस्तेमाल करने वाले SF6 सर्किट ब्रेकर 1955 के आसपास आने लग गए, और थोड़े ही दिनों में हमने आधुनिक SF6 की डिजाइन सीख ली और वर्तमान में सारे 11 केवी या अधिक मान के जो सर्किट ब्रेकर है वो SF6 टाइप है, और 11 केवी और 33 केवी पे हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये दोनों जो आर्क क्विंचिंग मीडियम है, वैक्यूम और SF6, इनमें पहली बार करंट जीरो पे जब आर्क इंटरप्ट होता है तो ओपनिंग हुए कॉन्टेक्ट में बहुत तेजी से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बनती है और किसी भी तरह की रीस्ट्राइक की संभावनाएं नहीं रहती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर में मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी कम है। SF6 सर्किट ब्रेकर में हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड को इंसुलेटिंग और आर्क क्विंचिंग मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 गैस है उसके पास बहुत खूबसूरत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अर्थात ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा पसंद करती है, और एक SF6 मॉलिक्यूल अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो एक नेगेटिव चार्ज्ड आयन बन जाएगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कई बार एक तेज एनर्जी का इलेक्ट्रॉन SF6 से टकराकर SF6 को SF5 में बदल देता है और एक फ्लोराइड का नेगेटिव आयन बन जाता है। दोनों ही स्थितियों में ये जो ऋणायन होते हैं ये भारी भरकम है, आवेश वहन में हिस्सा नहीं लेते हैं और स्वयं में बहुत ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रखते हैं, अर्थात किसी मीडियम में अगर ये नेगेटिव आयन भी है तो उस मीडियम में इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। हमारे जो SF6 गैस है उसके पास बहुत अच्छी हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी है, तो आर्किंग कंडीशंस में जब SF6 का
ब्लो किया जाता है तो SF6 आर्क को बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत जल्दी से ठंडा कर देती है और उस मीडियम में डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को भी बहुत तेजी से रेस्टोर कर देती है। SF6 करंट जीरो होने के बाद सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड के समय में ही अपनी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेंटेन कर लेती है और इतनी बेहतरीन आर्क क्वेंचिंग और डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंटेन करने की प्रॉपर्टीज के कारण हमारे जो SF6 सर्किट ब्रेकर हैं उनका इस्तेमाल हम 11 kV से ऊपर की सारी हाईएस्ट 765 kV सिस्टम पे भी करते हैं और ये सभी तरह की फॉल्ट क्लियरिंग के लिए, चाहे वो बहुत सीवियर शॉर्ट लाइन की फॉल्ट हो या फिर कोई कैपेसिटर ड्यूटी की स्विचिंग हो या बहुत कम मैग्नीट्यूड की इंडक्टिव करंट की स्विचिंग हो, करंट चॉपिंग, कोई तकलीफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड में नहीं आएगी। शुद्ध अवस्था में सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इनर्ट है और थर्मली स्टेबल है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे इसमें कोई डीकम्पोजिशन नहीं होती है। अगर इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है तो 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये 10 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विडिफाई होने लगती है। SF6 हवा की तुलना में 5 गुना ज्यादा भारी है और आसानी से सामान्य स्थितियों में डिफ्यूज नहीं होती है। SF6 एक नॉन इनफ्लेमेबल गैस है, इसमें आग नहीं लगती है, ये नॉन पॉइजनस है और कोई गंध नहीं रखती है, ऑडरलेस गैस है। आर्किंग के दौरान गैस डीकम्पोजिशन होकर कुछ ऐसे फ्लोराइड बाई प्रोडक्ट्स बनाती है, मेटल फ्लोराइड, जो मेंटेनेंस पर्सनल के लिए अगर वो स्मेल कर दिए जाएं तो हेल्थ हजार्ड्स बन सकती हैं। लेकिन अगर हम एक्टिव एलुमिना या सोडा लाइम का इस्तेमाल करें और आर्क के डीकम्पोजाइट प्रोडक्ट्स को लीक नहीं होने दें तो वो हमारे आर्किंग चैम्बर में ही दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उनके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं रहते हैं। डीकम्पोजिशन के बावजूद भी गैस की डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी रहती है और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम SF6 का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑयल से बेहतर रहती है और आर्किंग के जो फ्लोराइड प्रोडक्ट्स हैं वो आर्क के टेम्परेचर में भी हमारे सर्किट ब्रेकर के इंटरनल इंसुलेटिंग मटेरियल्स और दूसरी कॉन्टेक्ट मटेरियल को बुरा प्रभावित नहीं करते हैं। हालांकि नमी की अवस्था में जो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनती है वो हमारी सीलिंग के इंसुलेशन वगैरह को डैमेज कर सकती है और ब्रेकर के फेलर के कारण बन सकती है। किसी भी दूसरे सर्किट ब्रेकर की ही तरह SF6 सर्किट ब्रेकर में भी 2 तरह के कॉन्टेक्ट्स हैं। ये नीले तीर में और इस्यान तीर के साथ दिखाए गए फिक्स कॉन्टेक्ट और लाल तीर और ये मैजेंटा तीर से दिखाए गए मूविंग कॉन्टेक्ट। लेकिन इन कॉन्टेक्ट्स में ये जो नीले तीर से और लाल तीर से दिखाए हुए हैं फिक्स्ड और मूविंग, ये मेन कॉन्टेक्ट्स हैं जो हमारे सर्किट के फॉल्ट और लोड करंट को कैरी करते हैं, लेकिन आर्क के समय किसी आर्किंग को अपने बीच में नहीं होने देते हैं। इनकी आर्किंग को बाईपास किया जाता है इस शान और मैजेंटा तीर से दिखाए गए फिक्स, शान से दिखाए हुए और मैजेंटा से ये मूविंग जो कॉन्टेक्ट के आर्किंग कॉन्टेक्ट्स हैं उनके बीच में हमारी आर्किंग की एक्सरसाइज होती है। तो हमारे आर्किंग कॉन्टेक्ट मेन सर्किट का करंट कैरी नहीं करते लेकिन मेक और ब्रेक के समय होने वाली आर्किंग को यही विदस्टैंड करते हैं। इन कॉन्टेक्ट्स को हम स्पेशल टंगस्टन कार्बाइड कंपोजाइट के साथ बनाते हैं ताकि आर्किंग के एडवर्स इंपैक्ट से भी इनकी लाइफ बनी रहे। ये नीला तीर की जो स्थिति है वो हमारे फिक्स कॉन्टेक्ट का एक्सटर्नल सर्किट से टर्मिनल बनाता है और ये लाल तीर हमारे मूविंग कॉन्टेक्ट के एक्सटर्नल सर्किट से टर्मिनल को इंडिकेट कर रहा है। ये जो हरे रंग की जो केसिंग है वो हमारे सर्किट ब्रेकर का इंसुलेटिंग एनक्लोजर है और ये जो हल्के नीले रंग से दिखाई हुई आकृति है वो हमारी गैस के प्रेशर को आर्क के ऊपर ब्लो करने वाली नोजल है जो आर्क क्वेंचिंग में अपनी डिजाइन के अनुसार आर्क को एक्सियल फ्लो से ब्लो करके और रेडियली कमजोर करके आर्क को क्वेंच करने में मदद करती है। हमारे मूविंग कॉन्टेक्ट के साथ यहाँ 2 गैस चैम्बर्स हैं जो इस मूविंग कॉन्टेक्ट के साथ बने सिलेंडर से अपने प्रेशर को बदलते हैं। जिस समय हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट नीचे की तरफ गति करेगा इस नीचे वाले चैम्बर में गैस का प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर हमारे इलेक्ट्रोड्स की मदद से यहाँ जब आर्किंग होगी तो उसके ऊपर प्रेशर से ब्लो करेगा। मूविंग कॉन्टेक्ट का मूवमेंट इस इंसुलेटिंग टाई रोड के साथ है जो अपने सर्किट ब्रेकर के इंटरनल स्प्रिंग मैकेनिज्म से मूविंग कॉन्टेक्ट को चलाकर ब्रेकर को ऑपरेट करती है। यहाँ नीला तीर और फ्रेम सर्किट ब्रेकर के फिक्स कॉन्टेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये जो तीर है वो मेन करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट है और ये जो फ्रेम में कॉन्टेक्ट आया हुआ है ये आर्किंग कॉन्टेक्ट है, जबकि ये मैजेंटा तीर मूविंग कॉन्टेक्ट के करंट कैरिंग मेन कॉन्टेक्ट
कॉन्टैक्ट्स हैं और ये जो मेजेंटा फ्रेम में मूविंग आर्किंग कॉन्टैक्ट है। तो जब हम क्लोजिंग ऑपरेशन करते हैं, क्लोजिंग ऑपरेशन में दोनों आर्किंग कॉन्टैक्ट पहले एक दूसरे के करीब आकर इस स्पेस में इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्राइक करवाते हैं और नोजल के बीच में गैस का जो ब्लो है वो उस आर्क को क्विंच करने का और कमजोर करने का काम करता है। जब ये दोनों कॉन्टैक्ट जुड़ जाएंगे पहले आर्किंग के क्विंच होने के दौरान, तो बाद में हमारे मेन कॉन्टैक्ट सर्किट के करंट को कैरी करेंगे। हमारे ये जो दोनों मेन कॉन्टैक्ट हैं वो होलो सिलेंडर्स हैं और ये भी होलो सिलेंडर्स हैं, लेकिन इनके बीच में आर्किंग के दौरान गैस के फ्लो के प्रोविजंस रखे हुए होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो आर्किंग कॉन्टैक्ट हैं वो सर्किट के करंट को कैरी नहीं करते, लेकिन आर्किंग के इम्पैक्ट को सहने के लिए डिजाइन किए हुए होते हैं और हमारे मेन कॉन्टैक्ट पे किसी भी आर्किंग का असर नहीं आएगा। जब पहले आर्किंग कॉन्टैक्ट जुड़ जाएंगे उसके बाद ये कनेक्ट होंगे और ये सर्किट का मेन लोड करंट कैरी करते हैं। इसी तरह से एक सर्किट ब्रेकर की ओपनिंग के समय आप देखेंगे कि ये जो मैजेंटा तीर के साथ हमारा मेन कॉन्टैक्ट है मूविंग, वो फिक्स्ड मेन कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा जो आर्किंग मूविंग कॉन्टैक्ट है वो आर्किंग फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बनाए हुए है और ये करंट आप देखिए जो अदरवाइज मेन कॉन्टैक्ट के थ्रू सर्किट में जाता था वो अभी आर्किंग कॉन्टैक्ट के थ्रू ये जो नीचे लाल तीर दिखा रहे हैं वो करंट का फ्लो बता रहा है हमारे फिक्स्ड आर्किंग कॉन्टैक्ट और मूविंग आर्किंग कॉन्टैक्ट के बीच में। और आप देखिए कि जो मेन करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट है वो सेपरेट हो गए हैं। अगली सीरीज में जब हमारे आर्किंग कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे तो यहाँ एक सिवियर आर्क डेवलप होगा और वो गैस के ब्लो से जो इन नोजल के बीच में बनेगा उससे क्विंच किया जाएगा। ये हरे रंग का आवरण हमारे SF6 सर्किट ब्रेकर का इंटरप्टर चैम्बर है जिसमें सभी तरह के फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट मेन और आर्किंग के साथ ये नोजल SF6 के गैस चैम्बर्स और दूसरे मैकेनिज्म अंदर होते हैं। आधुनिक SF6 सर्किट ब्रेकर में एक पफर मैकेनिज्म होता है जो मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ इन सिलेंडर के नीचे चलने पर इस नीचे के गैस चैम्बर में प्रेशर डेवलप करता है और वो प्रेशर यहाँ नोजल्स के बीच में कंप्रेस्ड गैस को इस तरह से भेजता है कि वो एक ट्रांसफर मैकेनिज्म करती है और आर्क को कूल करके और लंबा करके किनारों से श्रिंक करके आर्क के एक्सटेंशन को पहले करंट जीरो पे ही मैनेज कर देती है। आर्किंग के दौरान यहाँ हीट पैदा होती है और उस हीट से SF6 में प्रेशर बनता है और नोजल की डिजाइन इस तरह से होती है कि वो जो प्रेशर है वो भी आर्क इंटरप्शन को मदद करता है। आर्क इंटरप्शन की प्रक्रिया के दौरान हम SF6 गैस को यहाँ गैस चैम्बर में 6-7 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे इस्तेमाल करते हैं। इन दाब स्थितियों में हमारी गैस की जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ऑयल से भी ज्यादा बेहतर होती है और प्रेशराइज्ड गैस आर्क को बहुत तेजी से क्विंच करके और बहुत तेज यहाँ 1 माइक्रोसेकंड से भी कम समय में पहले करंट जीरो होने के बाद डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेंटेन करा देती है। अगर किन्हीं सीलिंग के लीकेज से गैस का प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो हमारे सर्किट ब्रेकर आर्क को नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरनल प्रेशर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो इंफॉर्मेशन दे देता है और सर्किट ब्रेकर को हम ऑपरेट नहीं करते हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर भी लाइव टैंक और डेड टैंक दोनों डिजाइन में मिलते हैं। लाइव टैंक में हम पोर्सेलिन या इपॉक्सी इंसुलेटिंग मटेरियल के इंसुलेशन पोस्ट के ऊपर हमारा कॉन्टेक्ट टर्मिनल का ये जो आर्क इंटरप्शन मैकेनिज्म है वो रखते हैं और SF6 गैस का काम सिर्फ आर्क इंटरप्शन करना है, जबकि डेड टैंक डिजाइन में हम एक्सेस गैस का इस्तेमाल करते हैं और गैस आर्क इंटरप्शन और बेसिक इंसुलेशन दोनों प्रोवाइड करती है। अक्सर हमारे SF6 गैस फील्ड सर्किट ब्रेकर में जो SF6 की बुशिंग्स होती हैं, उन बुशिंग्स के बीच में ही हम करंट ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो हमारी रिलेज का काम करता है। एक सर्किट ब्रेकर के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को 4 स्टेज में समझ लेते हैं। स्टेज 1 में सर्किट ब्रेकर क्लोज्ड कंडीशन पे है और लोड करंट या फॉल्ट करंट को कैरी कर रहा है। ये नीले तीर हमारे मेन फिक्स कॉन्टैक्ट को और मेजेंटा तीर हमारे मेन करंट कैरिंग मूविंग कॉन्टैक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं और ये आपस में जुड़े हुए होने की स्थिति में ये जो सर्किट का लोड करंट है वो देखिए आप लाल रेखा से हमारे फिक्स कॉन्टैक्ट के टर्मिनल से आगे मूविंग कॉन्टैक्ट के टर्मिनल से होता हुआ सर्किट में फ्लो हो रहा है। अगर सर्किट में फॉल्ट है और सर्किट ब्रेकर की ट्रिप मैकेनिज्म रिले से एक्टिवेट हो गई है तो हमारा ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा और जब ये नीचे की तरफ
तरफ मूव करेगा, तो ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट की आर्म्स हैं वो एक सिलेंडर में पिस्टन का काम करेंगी। नीचे के गैस चैम्बर में SF6 गैस को कंप्रेस करके उसके प्रेशर को इंक्रीज करेगी। हायर प्रेशर की SF6 गैस इन्हीं कॉन्टेक्ट के बीच में जो वॉल्व्स ओपनिंग है उनकी मदद से आर्किंग जोन में ऊपर के चैम्बर में पहुंचेगी। अगली ऑपरेटिंग स्टेज में हमारे मेन कॉन्टेक्ट का करंट कैरिंग सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट का सेपरेशन हो गया है। ये नीले तीर से फिक्स्ड कॉन्टेक्ट और ये जो मेजेंटा तीर से जो मूविंग कॉन्टेक्ट करंट कैरिंग मेन कॉन्टेक्ट है उनमें एक सेपरेशन आ गया है। इस नीले फ्रेम में फिक्स्ड आर्किंग कॉन्टेक्ट और इस मेजेंटा फ्रेम में मूविंग आर्किंग कॉन्टेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का आर्क अभी नहीं होगा और सर्किट का करंट चाहे वो लोड करंट हो या फॉल्ट करंट हो आर्किंग कॉन्टेक्ट के थ्रू सर्किट के कॉन्टेक्ट टर्मिनल्स में फ्लो हो रहा है, जैसा कि यहाँ अंदर नीले तीर से हम दिखा रहे हैं। अभी भी मूविंग कॉन्टेक्ट का जो मूवमेंट है वो नीचे के SF6 गैस चैम्बर में प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है और यहाँ जो ये काले रंग में दिखाई हुई है वॉल्व्स ओपनिंग उनकी मदद से हाई प्रेशर की गैस नीचे के चैम्बर से ऊपर के चैम्बर में होके यहाँ नोजल के बीच में जब आर्क स्ट्राइक होगा तो एक्सियल ब्लो बनाएगी। सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज सेपरेशन ऑफ आर्किंग कॉन्टेक्ट की बात करते हैं। मूविंग कॉन्टेक्ट का ये जो फर्दर मूवमेंट है वो नीचे के चैम्बर में प्रेशर को मैकेनिकल कंप्रेशन से बढ़ा चुका है और इसी दौरान हमारा जो मूविंग आर्किंग कॉन्टेक्ट है वो फिक्स कॉन्टेक्ट से सेपरेट होकर यहाँ आर्क को स्ट्राइक कर चुका है। आर्क के थ्रू हमारा जो सर्किट का लोड करंट या फॉल्ट करंट है वो अभी भी फ्लो करेगा और इस करंट से यहाँ आर्क में हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट से हमारी जो SF6 गैस है उसमें प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर से ऊपर के चैम्बर्स के सारे वॉल्व बंद हो जाएंगे और हाई प्रेशर की SF6 गैस यहाँ आर्क के ऊपर एक्सियली ब्लो करके आर्क की हीट को कूल कर देगी और SF6 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को कम कर देगी। रेडियल डिस्प्लेसमेंट गैस का आर्क के डायमीटर को कम कर देगा और फर्स्ट करंट 0 इंस्टेंट पे ही आर्क सक्सेसफुली क्विंच हो जाएगा। यहाँ SF6 में बना प्रेशर फॉल्ट के करंट जिसे हम इंटरप्ट कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनलिटी में होता है, तो हम कहते हैं कि SF6 ब्रेकर हैं वो सेल्फ कंपनसेटिंग टाइप हैं। जब उन्हें ज्यादा करंट को इंटरप्ट करना होता है तो वो ज्यादा प्रेशर बनाते हैं और कम करंट को इंटरप्ट करना होता है तो कम प्रेशर बनाते हैं। लेकिन अगर ये करंट कोई ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटाइजिंग करंट होता, लो मैग्नीट्यूड का इंडक्टिव, तो ऐसी स्थिति हो सकती थी कि यहाँ गैस का प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं होता कि आर्क हमारा क्विंच होता। ऐसी स्थिति में जो हमारा पफर मैकेनिज्म है जो नीचे के चैम्बर में प्रेशर मैनेज किए हुए है वो प्रेशराइज SF6 गैस यहाँ नोजल के बीच में ब्लो करके और आर्क को फर्स्ट नेचुरल करंट 0 पे ही बिना किसी करंट चॉपिंग के इंटरप्ट करती है। हम पाते हैं कि SF6 का जो आर्क इंटरप्शन है वो बहुत बेहतरीन है, वो फर्स्ट करंट 0 के 1 माइक्रोसेकंड के समय में ही यहाँ बहुत बेहतरीन डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जनरेट कर लेता है और वो किसी भी प्रकार की चाहे कैपेसिटर ड्यूटिंग की स्विचिंग हो या बहुत सीवियर शॉर्ट लाइन की फॉल्ट का बहुत हैवी करंट हो सबको बहुत सक्सेसफुली इंटरप्ट करके आर्क को क्विंच कर देता है। सर्किट ब्रेकर की ओपनिंग स्टेज को और समझ लेते हैं। जब हमारे आर्किंग कॉन्टेक्ट सेपरेट हो गए हैं और SF6 के एक्शन से फर्स्ट करंट 0 पे यहाँ आर्क इंटरप्ट हो गया है तो इन दोनों आर्किंग कॉन्टेक्ट के बीच में जो गैप है उस गैप में बाहर हमारी जो प्रेशराइज SF6 गैस है वो एंटर कर जाती है और फ्रेश गैस बहुत तेजी से यहाँ दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में फिक्स और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में चाहे वो मेन कॉन्टेक्ट हो या आर्किंग कॉन्टेक्ट हो बहुत बढ़िया डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेंटेन कर देती है जो किसी भी ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज के रीस्ट्राइक को रोक देती है। आर्क की हीट से जो प्रेशर डेवलप हुआ था वो प्रेशर जब कम हो जाता है तो हमारी गैस में जो डीकम्पोजिशन हुई है वो आपस में वापस कंबाइंड होकर नेचुरल फॉर्म दोबारा SF6 की प्रोड्यूस कर देती है तो हमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। एक बार अगर SF6 सर्किट ब्रेकर में प्रेशर के साथ 5 या 6 एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ आपने गैस को फिल कर दिया है तो ये 5-6 साल तक मेंटेनेंस फ्री अपनी सर्विसेज दे सकता है। आर्क एक्सटेंशन प्रोसेस में नोजल के बीच में जब प्रेशराइज SF6 गैस रिलीज होती है तो गैस का दबाव आर्क के ऊपर गिरता है और उससे आर्क का डायमीटर कम हो जाता है गैस के एक्सियल कन्वेक्शन से और रेडियल डेसिपेशन से। और जब पहली बार करंट 0 होता है तो आर्क का डायमीटर इतना कम है कि आर्क अपने आप बुझ जाता है और आर्क के एक्सटेंशन होने पे जो कॉन्टेक्ट स्पेस है
है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो नई कूल फ्रेश हाई प्रेशर की हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की SF6 से भर जाता है, तो किसी भी प्रकार की रीस्ट्राइकिंग नहीं हो सकती क्योंकि दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1 माइक्रोसेकंड से भी कम समय में बन गई है। आर्किंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो SF6 कैप्चर कर लेती है और SF6 के जो नेगेटिव आयंस हैं उनकी भी कंडक्टिविटी नहीं है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आर्क का क्विंच बहुत सक्सेसफुल और तेजी से हो जाता है। जो 400 केवी या 765 केवी की जो हमारी हाईएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसमें हमारे ये जो SF6 सर्किट ब्रेकर है वो मल्टी ब्रेक टाइप होते हैं। जैसे 400 केवी में हम 2 इंटरप्टर यूनिट सीरीज में कनेक्ट करते हैं जबकि 765 में ये 2 से 4 तक यूनिट्स हो सकती हैं और इन यूनिट्स के बीच में हम कैपेसिटर ग्रेडिंग इस्तेमाल करते हैं ताकि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलाइज हो जाए। सभी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकिंग के लिए SF6 सबसे बेहतरीन इंसुलेटिंग मीडियम है। अगर हमारी सिस्टम वोल्टेज से 2.5 यूनिट ओवर वोल्टेज भी आ जाए तो हमें कोई विशेष परेशानी नहीं आती क्योंकि ओपन कॉन्टेक्ट के बीच में जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इस वोल्टेज को विदस्टैंड कर सकती है। SF6 सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हम वहां नहीं करते जहां हमें फ्रीक्वेंट स्विचिंग करनी होती है या बार बार क्लोज ओपनिंग ऑपरेशंस करने होते हैं। अगर हमारी सर्किट ब्रेकर की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एक ही दिन में बहुत ज्यादा है तो कम वोल्टेज पे 33 केवी से कम तक हमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करने चाहिए और हाई वोल्टेज पे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अगर स्विचिंग सामान्य है तो किसी भी वोल्टेज लेवल पे SF6 सबसे बेहतरीन सर्किट ब्रेकर है। चाहे हमारी शॉर्ट लाइन की फॉल्ट को हैवीएस्ट फॉल्ट करंट के साथ क्लियर करना हो, कैपेसिटर ड्यूटी की स्विचिंग हो या कोई करंट चॉपिंग जैसा लो मैग्नीट्यूड का इंडक्टिव करंट इंटरप्ट करना हो, जो हमारा आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन SF6 गैस मॉलिक्यूल से जैसे ही मिलते हैं अब्सॉर्ब हो जाते हैं, इससे हमारे आर्किंग स्पेस में डीआयनाइजेशन प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। कूलिंग से और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के मेंटेन होने से फर्स्ट करंट जीरो पे ही श्योर और सर्टन आर्क का इंटरप्शन हो जाता है और उसके तत्काल बाद जो फ्रेश SF6 गैस है वो बहुत ज्यादा अमाउंट की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बिल्ट अप कर देती है। आर्क क्विंचिंग बहुत कम आर्क समय में होता है इसलिए कॉन्टेक्ट्स के इरोजन्स SF6 सर्किट ब्रेकर में सबसे कम होते हैं, इसलिए SF6 सर्किट ब्रेकर में ब्रेकर की मेंटेनेंस कम है, ब्रेकर की लाइफ ज्यादा है। SF6 सर्किट ब्रेकर में अगर करंट कम है तो हमारा जो प्रेशर डेवलप होगा वो भी कम होगा, तो हमारा जो करंट है वो नेचुरल जीरो पे ही रुकेगा। किसी भी तरह की नेचुरल जीरो से पहले करंट चॉपिंग होने से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज की रीस्ट्राइक्स होती है वो नहीं होंगी। आर्किंग के दौरान SF6 कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन कंपाउंड्स नहीं बनाता, इससे हमारी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसमें कोई भी कमजोरी नहीं आती है। SF6 सर्किट ब्रेकर बहुत साइलेंट है ऑपरेशन में। हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर टोटली सील्ड होता है सभी तरफ से, तो इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो बाहर की किसी भी एटमोस्फेरिक कंडीशन से प्रभावित नहीं होता है। SF6 की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होने के कारण जो कॉन्टेक्ट है उसके बीच में स्पेसिंग कम देनी होती है तो ब्रेकर का फिजिकल साइज छोटा हो जाता है। SF6 गैस की बेहतरीन डायलेक्ट्रिक क्वालिटीज और आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टीज के कारण सारे जो हाई वोल्टेज के मेटल इनक्लोज स्विच गियर्स हैं या अंडरग्राउंड केबल्स हैं या बुशिंग्स हैं या बुशिंग्स में लगने वाले करंट ट्रांसफॉर्मर हैं, सभी में हम इंसुलेटिंग मीडियम के तौर पे SF6 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन SF6 सर्किट ब्रेकर में भी इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियों की जरूरत है, उन्हें समझते हैं। एक समस्या सफोकेशन है। SF6 नॉर्मल एयर से काफी भारी है और उसमें ज्यादा मूवेबिलिटी नहीं है, तो अगर सर्किट ब्रेकर के टैंक से SF6 गैस लीक हो जाती है तो वो हमारी सराउंडिंग्स में इकट्ठी होके और उसके नीचे जो पर्संस हैं उनकी ऑक्सीजन इंटेक को प्रभावित कर सकती है और हल्का सफोकेशन का प्रॉब्लम सराउंडिंग में रहने वाले पर्सनल्स को कर सकती है। हालांकि गैस पॉइजनस नहीं है, डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं करेगी। आर्किंग के दौरान कुछ मेटल फ्लोराइड्स बनते हैं जो हमारे मेंटेनेंस पर्सनल के लिए जब वो SF6 सर्किट ब्रेकर को खोलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। आमतौर पे हम सर्किट ब्रेकर के अंदर एक्टिव एल्यूमिना और सोडियम लाइम इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह के क्लोराइड्स के असर को कम कर देते हैं। जब हम प्रेशर के साथ SF6 का इस्तेमाल करते हैं तो वो लिक्विड हो जाती है और लिक्विड अवस्था में हमारा ब्रेकर काम नहीं करेगा। तो जब हम प्रेशर चैम्बर में टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं और पाते हैं कि टेम्परेचर लिमिट से कम है तो हीटर्स चालू करके हम टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं ताकि SF6 का लिक्विडिफिकेशन ना हो। SF6 सर्किट ब्रेकर की कंस्ट्रक्शन में सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जॉइंट्स या सीलिंग्स में कोई डिफेक्ट्स आ गया है तो गैस की लीकेज होने की संभावना है और अगर उसमें मॉइस्चर अंदर आ गई है तो मॉइस्चर SF6
6 के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगी, और ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स और दूसरे मेटल पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। XF6 सर्किट ब्रेकर में मॉइस्चर की एंट्री होने से परफॉर्मेंस में भी कमियां आती हैं और ब्रेकर भी फेल हो जाता है। XF6 में अगर कोई डिटोरेटिंग दूसरे एजेंट्स हैं तो ऑपरेशन की रिलायबिलिटी पे कुछ एडवर्स इंपैक्ट आ सकते हैं, लेकिन XF6 में इतनी ज्यादा मेरिट है कि सारी हाई वोल्टेज पे 33 केवी से ऊपर हम XF6 सर्किट ब्रेकर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर के बारे में सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त हुई होगी। आपकी परीक्षा उपयोगी समझ बने, आप तरक्की करें, अच्छा टाइम गुजरे, हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।